हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप बोल रहे हो सर अकाउंट्स छोड़ के आज इको में कहाँ घुसे जा रहे हैं, क्लियर है? ये तो जय सर का पार्ट है, बट डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट, जो चैप्टर नंबर अपना 6 है, इंडेक्स नंबर जो ऑलरेडी हर बार मैं ही कराता हूँ, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर इंडेक्स नंबर एक फार्मूला है, यहाँ पर जो पूरा अपना लीस्पर्स फिशर्स जो आगे बहुत सारे फार्मूले है, आपका जो जियो बच्चे ने मैक्स भी लिया रहेगा उनको भी ये चैप्टर रहेगा। इंडेक्स नंबर जो मैक्स 2 में है, जहाँ पर मुझे लग रहा है चैप्टर नंबर 5 है, ये मेरे क्लास में तो मैंने करा दिया ये, और बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं इसमें, बस आपको छोटा सा एक सम आएगा एग्ज़ाम में करने के लिए, आप इजीली इसको कर सकोगे। बात आती है व्हाट इज़ अ इंडेक्स नंबर, क्या होता है सर? देखो नंबर का मतलब आप सभी को पता है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। इंडेक्स नंबर मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे तो हमें इंडेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कल कांदे का भाव था 40 रुपये, आज कांदे का भाव है 60 रुपये, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, क्लियर? कल कांदे का भाव था 40 रुपये, आज है उसका 60 रुपया, तो कांदे का भाव कितना बढ़ा? मैं बता रहा हूँ कांदे का भाव 50 गुना बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि कल 40 था, आज 60, मतलब 20 रुपया ज़्यादा, मतलब 50 गुना कांदे का भाव क्या हो गया, बढ़ चुका। वो कैसे पता चला? इंडेक्स नंबर के थ्रू ही पता चला। कैसे, क्या करेंगे? मतलब यहाँ पर नॉर्मली ये प्राइस और क्वांटिटी को कंपेयर किया जाएगा, और हम यहाँ पर प्राइस बताएंगे कि अपना इंडेक्स नंबर कैसा जा रहा है इस, और नॉर्मली ये इंडेक्स नंबर कौन देखता है? जो शेयर मार्केट जिन्होंने वगैरह डील किए रहेंगे वो देखते हैं, मतलब पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर हमको खरीदने चाहिए नहीं खरीदने चाहिए, वो सारा का सारा इंडेक्स नंबर में पता चलेगा। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से करते हैं, व्हाट इज़ ए इंट्रोडक्शन, हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? इंडेक्स नंबर आर वन ऑफ द, क्या दिया है यहाँ पर, मोस्ट यूज स्टेटिस्टिकल टूल इन इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कर ये यूज़ होता है। द इंडेक्स नंबर आर डी क्या लिखा है, डिवाइस द मेजर द चेंज इन, क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमी वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ओवर द पीरियड ऑफ, क्या बोल रहे हैं, टाइम। इंडेक्स नंबर वेयर द ओरिजिन डेवलप टू द मेजर द चेंज इन प्राइस लेवल, देखो यहाँ पर दिया ही है इंडेक्स नंबर का वन ऑफ द मेजर, इंडेक्स नंबर वेयर ओरिजिनल टू डेवलप टू द, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, चेंज इन द प्राइस ऑफ लेवल, मतलब प्राइस चेंज हो रहा है या तो क्वांटिटी चेंज हो रहा है या तो वैल्यू चेंज हो रहा है, उसके लिए इंडेक्स नंबर यूज होता है। इट इज़ अ, क्या दिया है, प्रेजेंट कंटेंट इज ऑल्सो यूज टू द मेजर द क्या लिखा है, ट्रेंड इन अ वाइड वेराइटी एंड एरिया दैट इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट। देखो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग, मैं तो ये तो सुनने चाहता था, ये इंडेक्स नंबर वन ऑफ द यूज कहाँ पर होता है, स्टॉक मार्केट में, प्राइस कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, चेंज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इंडेक्स नंबर आर द नॉट इज अ डायरेक्टली मेजर बट इट इज़ अ, क्या लिखा है यहाँ पर, रिप्रेजेंट द रिलेटिव चेंज, मतलब देखो डायरेक्टली मैं बता नहीं सकता कि इंडेक्स नंबर बढ़ रहा है कम हो रहा है, हम हालांकि पिछले कुछ जो पास्ट ईयर है उसको कंपेयर करके इस तरह बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी देखोगे चाइना से जो माल है ना, कुछ टाइम जैसे लॉकडाउन वगैरह था तो लोगों ने बहुत बहिष्कार किया कि नहीं चाइना का माल हम यूज़ नहीं करेंगे, तभी हमने देखा रहेगा चाइना से इंपोर्ट जो इंडिया में आ रहा है, इंपोर्ट क्या हो चुका था, कम हो चुका था। कैसे पता चला? इंडेक्स नंबर में, क्योंकि पिछले लास्ट ईयर में हमने थोड़ा ज़्यादा परचेस किया था, फिर उसके बाद अभी वापस से हमने अभी धीरे धीरे देख रहे कि वापस से लोग चाइना का माल जैसा था वैसे खरीदने लगे, तो कहाँ से पता चलता है? इंडेक्स मतलब पास्ट नंबर ऑफ ईयर से ही इंडेक्स नंबर क्या होता है पता चलता है। आगे बढ़ते और इसके अंदर क्या क्या दिया गया, सबसे पहले यहाँ पर दिया है डू यू नो, आपको पता है कि नहीं पता, आप पढ़ लेना आपको पता चल जाएगा, क्लियर है? कुछ ज़्यादा इस पर है नहीं, क्योंकि वही बता इंडेक्स नंबर कहाँ से आया, किसने, एग्जाम में आएगा नहीं है, डोंट वरी माय डियर, एग्जाम में ये आने वाला है नहीं। और यहाँ पर उसके बाद डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर दिया गया है, आप दोनों डेफिनेशन पढ़ लेना, एग्जाम में अगर कुछ भी बोला जाए तो डेफिनेशन आपको याद करने आना चाहिए। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर के क्या क्या फीचर्स होते हैं, वन ऑफ द फर्स्ट फीचर्स क्या बोल रहे हैं, इंडेक्स नंबर आर अ स्टेटिस्टिकल डिवाइस। जैसे हमने पढ़ा था इंडेक्स नंबर अगर किसके लिए होता है, स्टेटिस्टिकल डिवाइस का मतलब क्या, उसमें मैथमेटिकल क्या रह गए, फॉर्मूले वगैरह रह गए। आगे क्या बोल रहे हैं, इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज एवरेज विच कैन बी कैपिटल एज द ब्रिंग टू द, क्या लिखा है, एक्सप्रेस इन अ परसेंटेज। यहाँ पर वन ऑफ द इंटरेस्टिंग दिया, एक्सप्रेस इंडेक्स नंबर किससे होगा, किसी भी चीज़ को अगर डिवाइड बाय 100 करोगे तो अल्टीमेटली आंसर किस में आता है, परसेंटेज में आएगा। तो बस यहाँ पर ये इंडेक्स नंबर किससे होगा, परसेंटेज से क्या होगा, मेजर होगा। इंडेक्स नंबर मेजर इन द नेट चेंज इन, क्या लिखा है, और वन और मोर द रिलेटेड टू वेरिएबल ओवर द पीरियडिक टाइम बिटवीन द, क्या दिया है, टू डिफरेंट टाइम पीरियड और टू डिफरेंट, क्या लिखा है, लोकेलिटीज, मतलब दो अलग अलग टाइम। जैसे मैंने बताया आज कांदे का भाव, मतलब 2 साल पहले जो ऐसे एग्जांपल मैंने बताया चाइना में इंपोर्ट ज़्यादा था फिर 1 साल कम हुआ, मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से इंडेक्स नंबर क्या, डिफरेंट बिटवीन टाइम लोकेलिटी, क्या क्या टेस्ट कल्चर के हिसाब से इंडेक्स नंबर क्या होता है, चेंज होता है। जैसे आपको पता रहेगा
अगर आपके घर पे ठंडी वगैरह है तो आप ज़्यादा अगर गर्म खाना पसंद करते हो, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पर हमें गर्म चाहिए, क्योंकि बाहर ठंडी है। सेम एज गर्मी में हमें ठंडा खाने का मन होता है, क्लियर है? तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आता है। इंडेक्स नंबर विच कैन बी कंप्यूटेड फॉर द सिंगल वेरिएबल इज कॉल, क्या लिखा है यहाँ पर? यूनिवर्सल, क्या लिखा है यहाँ पर? यूनिवर्सल इंडेक्स नंबर, वेयर देयर इज अ इंडेक्स नंबर विच कैन बी कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द ग्रुप वेरिएबल इज कॉल, क्या लिखा है? कंपोजिट इंडेक्स नंबर। यहाँ पर दो है, एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। सिंगल वेरिएबल लिखना रहेगा तो आपको ये लिखना है, अगर ग्रुप आए तो आपको क्या लिखना है? कंपोजिट इंडेक्स नंबर आपको क्या करना है? लिख देना है, क्लियर है? और बहुत ही ऐसा ही, मतलब इसमें अभी कुछ है नहीं, हमें तो डायरेक्ट सम की तरफ बढ़ना है। आगे क्या बोल रहे हैं? द ईयर फॉर विच इंडेक्स नंबर आर द प्रेजेंट इज कॉल करंट ईयर, मतलब जो ईयर का हमें प्रेजेंट करना है उसको करंट ईयर बोलेंगे, और जो पिछला साल है उसको कौन सा ईयर बोला जाएगा? बेस ईयर बोला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है, क्लियर है? तो 2021 अपना करंट ईयर हुआ, तो बेस ईयर क्या हो गया? 2020 अपने लिए क्या हो गया? बेस ईयर का हो गया, क्लियर है? और आगे क्या बोल रहे? द बेस ईयर ऑफ इंडेक्स नंबर अज्यूम टू बी एज, क्या लिखा जाएगा? 100 लिखा जाएगा, क्लियर है? एज अ अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द करंट ईयर कैलकुलेशन, क्लियर है? मतलब अगर कैलकुलेट करना है तो हमें बेस ईयर को क्या लेना पड़ेगा? 100 लेना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर आर द ऑल्सो रिफर्स टू द, क्या लिखा है? बोरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी सीन्स इट इज़ यूज टू मेजर द ट्रेंड एंड, क्या लिखा है? चेंज इन द इकोनॉमी, क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, फीचर्स आपको जहाँ मुझे लग रहा है एग्जाम में आने तो इम्पॉसिबल है, हालांकि आ सकेंगे तो भी चलेगा, आपको फीचर्स ये सब एग्जाम में आने वाले नहीं। आगे बढ़ते, यू शुड नो भाई, हमको कुछ नहीं जानना है इसमें से, क्लियर है? आगे बढ़ते, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पार्ट, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। देर आर बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन ही है, लास्ट वाला स्पेशल पर्पज इंडेक्स नंबर आ गया। वन ऑफ द फर्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? प्राइस इंडेक्स नंबर। सेकेंड क्या बोला जाए? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। थर्ड क्या दिया जाएगा? वैल्यू। और फोर्थ क्या? स्पेशल पर्पज इंडेक्स नंबर। अभी तुमको पता है प्राइस मतलब किसकी बात होगी? प्राइस की। क्वांटिटी मतलब किसकी बात होगी? क्वांटिटी। वॉल्यूम का मतलब क्या रहेगा? प्राइस, और दोनों को प्लस कर दो तो अपने लिए क्या हो जाएगा? वैल्यू इंडेक्स नंबर। और स्पेशल पर्पस मतलब कोई स्पेशल पर्पस के लिए हमें इंडेक्स नंबर निकालना है, वो है। सबसे पहले पढ़ते प्राइस इंडेक्स नंबर के बारे में क्या बोलते हैं। इट इज़ अ मेजर द जनरल चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड्स और अ कंपेटर लेवल ऑफ प्राइस बिटवीन द, क्या दिया है? टू डिफरेंट पीरियड, मतलब दो डिफरेंट पीरियड। एग्जाम्पल मैंने बताया 2021 और 2020, क्लियर है? 2021 में मैंने बताया कांदे का प्राइस है 60 और 2020 में कांदे का प्राइस था 40। तो दोनों के बीच का जो टाइम बिटवीन, क्या लिखा है? टू डिफरेंट टाइम पीरियड, उसके बीच का जो इंडेक्स नंबर रहेगा किसका रहेगा? प्राइस। मतलब यहाँ पर खाली किसकी बातें की जाएगी? प्राइस की बातें की जाएगी। सेम एज यहाँ पर क्वांटिटी है तो खाली किसकी बातें करने वाले? क्वांटिटी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज अ वैल्यू इंडेक्स नंबर द मेजर द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट इन अ फिजिकल वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एक्सेट्रा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पर किसकी बातें की जाएगी? ओनली क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट, मतलब ओनली प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। और यहाँ पर क्या होगा? ओनली प्राइस, प्राइस, प्राइस की बातें की जाएगी। आगे क्या बोल रहे हैं? वैल्यू इंडेक्स नंबर, जैसे मैंने बताया प्राइस और जो वैल्यू है दोनों को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा? अपना वैल्यू, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? वैल्यू इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर दिया ये क्या बोल रहे हैं? द वैल्यू ऑफ अ कॉमोडिटी ऑफ प्रोडक्ट इज प्राइस एंड, क्या दिया है? क्वांटिटी। मतलब प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो अपने लिए क्या हो गया? वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर द चेंज इन वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल प्रोडक्ट इन अ रूपी। इट इज़ अ मोर द इंफॉर्मेशन इंडेक्स नंबर ऑफ अ कॉम्बाइंड बोथ द चेंज इन प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी। मतलब यहाँ पर सबसे अच्छा यहाँ पर यही होता है ना, प्राइस को भी कंपेयर करो, क्वांटिटी को भी कंपेयर करो, तो ही हमें क्या होगा? अच्छा इंडेक्स नंबर मिलेगा। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं? स्पेशल पर्पज़ इंडेक्स नंबर। देखो यहाँ पर ही छुपा है, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए यहाँ पर इंडेक्स नंबर निकालना है। तो स्पेशल पर्पज़ यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? दे आर द कंस्ट्रक्ट विद सम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्पज़। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर, लेबर प्रोडक्टिव इंडेक्स नंबर, शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर। जैसे मैंने बताया किसी भी पर्टिकुलर सेपरेट का अगर निकालना है इंडेक्स नंबर तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर बोला जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? ये आपको चार आप याद रख लीजिए, टोटल चार होते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी, वैल्यू इंडेक्स नंबर और क्या रहेगा? स्पेशल पर्पस क्या रहेगा? इंडेक्स नंबर है। आगे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सिग्निफिकेंट ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमी। क्लियर है? वन ऑफ द इंटरेस्टिंग दिया गया है, आपको आ सकता है एग्जाम में, हालांकि आने के चांसेस थोड़े कम है। इंडेक्स नंबर आर द, क्या लिखा है यहाँ पर?
indispensable tool of economy analysis. Follow the points are example of significant of index number. पहला यहाँ पर क्या बोल रहे, forming suitable policy, मतलब हमें अपना current year चल रहा है, आप सभी को ही पता है current year में कोरोना की वैक्सीन पे सरकार क्या करती है, ज़्यादा पैसा खर्च करती है, तो उस हिसाब से इंडेक्स नंबर बनाई, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कम किया जाएगा, हेल्थ और इंश्योरेंस को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा. सेम एज आने वाले साल में थोड़ा एजुकेशन, थोड़ा भी मेरे को लग रहा है लॉकडाउन के कारण बच्चों का दिमाग पे थोड़ा ज़्यादा असर हुआ है, तो एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा किया जाएगा. वो सब कहाँ से पता चलेगा, इंडेक्स नंबर से ही क्या होगा पता चलेगा. जैसे आपके एग्जाम्पल इंडेक्स नंबर मतलब आपका जो मार्कशीट रहेगा ना, उससे ही पता चलेगा कि बच्चा कितना पढ़ने में अच्छा है, बस वही सब चीज़ें यहाँ पर आएगी. फॉर्मिंग सूटेबल पॉलिटी, इंडेक्स नंबर आज प्रोवाइड द गाइडलाइंस टू द पॉलिसी मेकर टू द फॉर्मिंग सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी. यहाँ पर बोला ही है ना कि इंडेक्स नंबर वो बताएगा आपका, देखो इंडिया में ये है, पॉवर्टी इतना है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, तो उस पर इतना ज़्यादा खर्चा करो, वो सब सारी बातें यहाँ पर आएगी. एज एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिक्सेशन, वेजिस, डियरनेस अलावेंस और अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. तुम बोलोगे सर डियरनेस अलावेंस क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप सभी को पता है महंगाई कितनी बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ रही है तो आपकी कंपनी में जो काम पे आएंगे उनको आपको पैसा कितना देना है, उनको ट्रैवलिंग, अगर एग्जांपल्स बराबर है ना, अगर मेरे डैडी जब काम करते थे तो उनको भाड़े का 2 रुपया दिया जाता, मंथली 2 रुपया. अभी आज की डेट में कोई काम करेगा उसको भाड़े का 2 रुपया देके तो चलेगा जी नहीं, उनको तो अभी आज के डेट में जो काम करे उसको भाड़े का 2000 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि अभी ट्रैवलिंग एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ गया, तो उसको क्या बोला जाएगा, डियरनेस अलावेंस, मतलब अदर अलावेंस. जैसे अभी एग्जाम्पल आज से 5 साल पहले अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पर आपको पता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस अभी 5000 मतलब 500 रुपये मिलता है, अभी 500 रुपये में नहीं होगा, अभी तो आपको कितने चाहिए, 1000-2000 रुपये चाहिए, मतलब वो सब कहाँ से पता चलेगा, डियरनेस, मतलब आपकी महंगाई बढ़ रही है तो डियरनेस अलावेंस भी क्या हो जाएगा, मतलब अदर अल्टीमेटली खर्चे. डियरनेस अलावेंस का मतलब क्या होता है, अदर खर्चे. अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग, आप सभी को पता ही, देखो अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो गई, हाई हो गई, तो डेफिनेटली आपके खर्चे भी क्या हो गए, बढ़ेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे मैं घूमने जा रहा हूँ, क्लियर, अभी घूमने जा रहा हूँ तो पैदल चलूँगा तो अच्छा लगूंगा, नहीं लगूंगा, तो मुझे अभी किस में जाना पड़ेगा, अच्छा मैं ऑटो से जाऊँगा, क्लियर है. अभी तो आ गया नया, अभी ओला भी आ गई तो मेरी स्टैंडर्ड लिविंग और बढ़ेगा, तो सर एसी वाली कार में जाओ, क्लियर है. ये सब अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो उसके हिसाब से आपको जाना है. एग्जाम्पल बॉस है तो बॉस रिक्शा में थोड़ी आएगा, बॉस तो अपनी पर्सनल कार में आएगा. सेम ऐसा कोई अगर प्यून है, प्यून को पता है बस में जाना है तो बस में ही आएगा ना. अभी प्यून को तुम बोलोगे ऑटो से आओ तो चलेगा, नहीं चलेगा, अपना आपकी कंपनी का मैनेजर है, आप उसको तुम ऑटो का किराया दे सकते हो, प्यून को ऑटो किराया नहीं दे सकते, प्यून को किसका, बस का ही आप क्या कर सकते हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे सकते हो. स्टडी द क्या बोल रहे ट्रेंड एंड टेंडेंसी, मतलब आपकी मतलब मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में भी क्या होगा, स्टडी होगा. मार्केट में क्या ट्रेंड और टेंडेंसी क्या चल रहा है उसके बारे में भी क्या होगा पता चलेगा. इंडेक्स नंबर आर द वाइडली यूज टू मेजर द चेंज इन इकोनॉमी वेरिएबल्स सच एज द प्रोडक्ट प्राइस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल बाय द एक्सपो क्या लिखा, एग्जामिन द इंडेक्स नंबर आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फॉर द क्या लिया लास्ट 5 years, which can be draw the import of a conclusion, but the trend of a index number are the production, whether there is should be the upward tendency or upward or downward tendency. मतलब क्या होगा पता चलेगा आपका ट्रेंड, मतलब जो प्रोडक्ट का, जो आपका प्रोडक्ट का ट्रेंड है चल रहा है कैसा जा रहा है. अभी जैसे अभी लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में मैगी का ट्रेंड ज़्यादा था, क्लियर है, लोग घर पे मैगी बना के खाते थे, मतलब होममेड चीज़ों का इंडस्ट्रियल ट्रेंड ज़्यादा था, घर पे ही लोग सब बना, तो मतलब तभी ट्रेंड अलग था. अभी जैसे लॉकडाउन खुल गया तो घर पे कोई बना के खाता ही नहीं, सबको क्या चाहिए, बाहर का ही खाने चाहिए, मतलब एक अलग से ट्रेंड चलता है. मतलब पहले अभी लॉकडाउन था, लास्ट 2 साल में क्या हुआ, ज़्यादातर लोग कपड़े वगैरह नए कपड़े नहीं खरीदते, उसका रीज़न क्या, ट्रेंड ही नहीं था, क्योंकि घर पे रहना है तो नए कपड़े की क्या ज़रूरत है. तो अभी धीरे धीरे क्या होगा, ट्रेंड चालू होगा, धीरे शादी वगैरह चालू होगी, ट्रेंड अलग से क्या होगा बढ़ जाएगा, मतलब आपके प्रोडक्ट का ट्रेंड चल रहा है क्या चल रहा है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी. फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब क्या हो रहा है, फोरकास्ट कर रहे हैं हम कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, अपने प्रोडक्ट का कैसे क्या आगे बढ़ाना है, मतलब एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हम आगे फ्यूचर में अपना प्रोडक्ट ऐसा जाएगा, ऐसा ग्रोथ होगा, मतलब आगे नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा. जैसे हम अज्यूम कर सकते हैं आगे चल के एक ट्रेंड अलग से दूसरा आएगा, क्लियर है. पहले अभी शर्ट का ही जो भी था, पता है आपने देखा रहेगा, सिलाई का ही शर्ट पहना, मतलब टेलर के पास जाते रहे माप लेके, आजकल वो जमाना चला गया, आजकल जैसे सबको रेडीमेड चाहिए, क्लियर, आगे चल के और भी अलग अलग ट्रेंड आएंगे.
तो यहाँ पर क्या इंडेक्स नंबर आज यूजफुल द मेकिंग द क्या लिखा है प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ अ पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेंड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब यहाँ पर वही बोला है ना, प्रेडिक्ट कर रहे कि आगे अपना प्रोडक्ट का ये। जस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर देखो अभी अपना ये एक नॉर्मली ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर अपना नॉर्मल, यहाँ से हमने बिजनेस चालू किया 2000 अपना एक 20 में अपना यहाँ पर है 2020 2021 में अपना इतना ग्रोथ हुआ, क्लियर है। अभी हम प्रेडिक्ट यही करेंगे ना 2022 में बढ़ेगा, ना कि ऐसा प्रेडिक्ट करेंगे कि कम होगा, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा इन्हें क्या लिखा है यहाँ पर प्रिटेशन ऑफ द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ फ्यूचर प्रेडिक्शन कैन बी मेड दस एज अ फॉरकास्टिंग गाइडेंस टू द प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। मतलब हम प्रॉपर आगे चल के एक डिसीजन ले सकेंगे गाइडेंस वगैरह लेके। अभी ये सब तो आपको पता ही है, फॉरकास्टिंग मेजर द ऑफ इन्फ्लेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मतलब आगे अपने फ्यूचर में कितनी महंगाई बढ़ेगी, क्या होगा, कैसे हो, सारी की सारी प्रेडिक्ट यहाँ पर क्या होता है करे जा सकती है। मेजरमेंट इंडेक्स नंबर आर तो ऑल्सो यूज टू द मेजर द चेंज इन प्राइस लेवल ऑफ टाइम टू टाइम एंड क्या लिखा अनएबल द गवर्नमेंट अंडरटेक द अप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लेनरी मेजर दे कैन बी लार्ज प्रोविजन टू पे और डीएनएस अलाउंस। मतलब आप सभी को पता है जैसा मैंने बताया कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी नो डाउट आपको क्या करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट जो सैलरी रहेगी वो भी क्या करनी पड़ेगी ज़्यादा। आपके अभी बता दूँ अभी गवर्नमेंट में कौन सा पेंशन चल रहा है 7 पे। अभी तुम बोलोगे 7 पे का मतलब क्या होता है? सर 7 पेंशन चल रहा है, स्टार्टिंग में 1st पे चल रहा था, 2nd पे। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है उसका गवर्नमेंट का सैलरी भी क्या होता है बढ़ते जाता है। आपने देखा रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय मांग कर रहे कि हमारी सैलरी बढ़ा दो बढ़ा दो। कहाँ से पड़ता है? ये सबसे ही पड़ता है। तो एम्प्लॉय कैन बी द ओके यहाँ पर दिया ओरिजिन टू द यहाँ पर क्या दिया सेक्टर द बेस्ड ऑन चेंज इन क्या दिया है डियरनेस इंडेक्स, क्लियर। वो सब वहाँ से ही हमें पता चलेगा कि आपके इंडेक्स नंबर में कितना क्या चल रहा है। आगे अपना 5th पॉइंट क्या बोल रहे हैं, यूजफुल टू द प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। मतलब क्या हो रहा है अपने फ्यूचर, मतलब अपने जो यूजफुल अब आगे चल के अपना जो यही डेटा आगे चल के फ्यूचर में क्या होगा यूज़ होगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखो, डिफ्लेशन मेजर द मेक इन एडजस्टमेंट इन ओरिजिनल डेटा, इंडेक्स नंबर मेजर द यूज टू एडजस्ट प्राइस चेंज वेज चेंज एग्जाम्पल। यहाँ पर दिया है कि आपको मतलब आगे चल के अगर डिफ्लेशन अगर आगे चल के और महंगाई आए कुछ अपना इन्फ्लेशन मतलब और भी कम होगा तो डेफिनेटली हमें प्राइस क्या करनी घटा देनी है। मतलब अभी लग रहा है कि वर्कर को अभी आगे चल के आप सभी को बताए कोरोना में सबको प्रॉब्लम हुई तो आप डेफिनेटली उसका वेजिस रेट क्या करो बढ़ा दो। मतलब वेज का मतलब क्या होता है वेजिस रेट क्या कर दो आप बढ़ा दो। पर आपको लग रहा है सब कुछ ठीक हो गया तो उसका वेजिस रेट क्या कर दो कम कर दो। यही सब सीज से सारी चार बातें यहाँ पर इंडेक्स नंबर में आ गई। दिस अ डिफ्लेशन हेल्प टू द प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन्हें क्या दिया है रियल टर्म्स। मतलब वो सारी बातें यहाँ पर क्या होगी आपको बताई जाएगी, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या क्या हमें बातें याद रखनी हो, सारी चीज़ यहाँ पर दिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा भी इंपॉर्टेंट नहीं है माय डियर स्टूडेंट। पहले यहाँ पर क्या बोल रहे हैं फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन, पहले सबसे वन ऑफ द फर्स्ट क्या दिया है पर्पज़ ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्यों करें, कुछ तो अपना इंटेंशन रहेगा, कुछ हमें फाइंड करना रहेगा, क्या ग्रोथ हुआ एक्सपांस हुआ, सारा का सारा यहाँ पर दिया गया है। फ्यूचर रिजल्ट वगैरह के लिए यहाँ पर दिया सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, और मैंने बताया था आपको हमें ऑलरेडी क्या ये सिलेक्ट करना पड़ेगा बेस ईयर, और बेस ईयर को क्या लिखा जाता है आप याद रखना बेस ईयर ऑलवेज क्या रहेगा आपके लिए 100 रहेगा, क्लियर। ये आपको याद रखना बेस ईयर ऑलवेज क्या रहेगा अपने लिए 100 रहेगा। यहाँ पर आगे ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए मैं आपको ज़्यादा ब्रीफ में इसके लिए नहीं जा रहा हूँ। सिलेक्शन ऑफ आइटम, यहाँ पर हमें आइटम सिलेक्ट कर प्राइस रहेगा तो प्राइस सिलेक्ट करना है, क्वांटिटी रहेगा तो क्वांटिटी सिलेक्ट करना है, वैल्यू रहेगा तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों को लिखना है यहाँ पर। 4th पॉइंट क्या बोल रहे हैं सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन, मतलब प्राइस हमें सिलेक्ट करना है उसका टोटल वगैरह बोला गया। चॉइस क्या बोल रहे हैं चॉइस ऑफ अ सूटेबल एवरेज, मतलब हमें जो फार्मूला लगाना है उसके बारे में एवरेज सिलेक्ट करना है। असाइनिंग द प्रॉपर वेटेज, मतलब क्या क्या वेटेज में, मतलब जैसा यहाँ पर क्वांटिटी वगैरह दिया है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इक्वल, हमें जो भी फार्मूला लगाना है उस हिसाब से यहाँ पर प्रिपेयर करना रहेगा। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट फार्मूला, ये अप्रोप फार्मूला वगैरह लगा देना है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है माय डियर स्टूडेंट ये, बट हालांकि जो भी इंपॉर्टेंट, तू बोलोगे सर इंपॉर्टेंट क्या, आगे जो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्राइस इंडेक्स नंबर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ये सारे के सारे फॉर्मूले वगैरह आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले। तो यहाँ पार्ट में हम स्टॉप करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपना पार्ट होगा।